हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप लोग का स्वागत है। आज से रिपब्लिका आप लोग की नए बैच स्टार्ट करने जा रही है और मैं स्केयर वाई आप लोग को एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा मैथ का जो एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मुर्गा और गाय के टांगों और सिरों वाला जो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि गायों की कुल संख्या कितनी है और मुर्गों की कुल संख्या कितनी है, अगर उसकी टांगों की संख्या दे चुकी है और उसकी सिरों की संख्या दे चुकी है। तो हम लोग क्वेश्चन करने से पहले हम लोग अपने मूड को फ्रेश कर लेते हैं, एक दो शायरी सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको एक मूड फ्रेश करने के लिए एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी बहुत प्रेम मोहब्बत का शायरी है, गौर से सुनिएगा। घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, सारी गली उनके पीछे निकली, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब में निकली दूसरा है, मोहब्बत को जो निभाते हैं उनको मेरा सलाम है, और जो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं उनको हमारा ये पैगाम है। वादा ए वफा करो तो फिर खुद को फना करो, वरना खुद के लिए किसी जिंदगी की जिंदगी ना तबाह करो, वरना खुद के लिए किसी की जिंदगी ना तबाह करो। तो दोस्तों, हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग अपना मूड को फ्रेश कर चुके हैं शायरी को सुन के। तो जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीका से आप लोग नहीं सीखे होंगे आप लोग एलिगेशन मेथड से इसको सीखे होंगे। जीवन भर आप भूल के दिखा दीजिए तो मान जाएंगे इस मेथड को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, इनकी टांगों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। इनकी टांगों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है, तो हम लोगों को बताना है मुर्गों की संख्या क्या है, उसके बाद बताना है कि गायों की संख्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मुर्गों की संख्या। तो मुर्गों की संख्या निकालने के लिए होता क्या है, लेग माइनस फोर हेड बटा में टू। जब कोई दो पैर वाला जानवर रहेगा, मुर्गा का दो पैर होता है, मुर्गा के जगह बत्तख का देगा तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, बत्तख के जगह तोता का देगा इसी फार्मूला का यूज करेंगे, आदमी का देगा तो आदमी का भी दो ही टांग होता है। इसी तरह के जितने भी दो पैर वाले होते हैं उनके लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम लोग अगर मुर्गों की संख्या निकालते हैं तो लेग माइनस फोर हेड बटा में टू, तो हमको लेग की संख्या दी है 140, तो हम लेग की संख्या के जगह पर यहाँ पर पुट कर देते हैं 140। साइन हमारा माइनस का है, माइनस का साइन दे देते हैं। उसके बाद 4 इंटू हेड मतलब सिरों की संख्या जो दी है वो है 48, तो हम लिखेंगे 4 × 48 और बटा में 2, तो ये मेरा हो गया 140 माइनस 48 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32 की 2, हाथ में 3 16 और 3 आपका हो गया 19 और बटा में 2,
तो हम यहाँ देखते हैं कि 140 में से 192 को अगर घटाते हैं तो क्या 192 है, 140 से घटाते हैं तो ये जो आएगा आपका माइनस में 52 आएगा। लेकिन हमको इसमें माइनस को इग्नोर करते हुए चलना है, माइनस को लेना नहीं है, माइनस को इग्नोर समझना है। तो आया 52 और बटा में 2, तो इसको हम काट देते हैं दो के टेबल से, तो 26 बार में ये कट जाएगा। तो हमारी जो मुर्गों की संख्या जो निकल के आएगी वो हो जाएगा हमारा आंसर 26। उसी तरह से गायों की संख्या निकालना है, तो गाय का होता है 4 पैर, तो उसके लिए फार्मूला है लेग माइनस 2 हेड और बटा में 2। तो अब हम लेग के जगह पर रखेंगे, लेग कितनी है 140, तो लेग के जगह पर रख देते हैं हम 140। माइनस हेड कितना है 48 है, तो हेड के जगह पर 48 हो गया, और कितने से 2 इंटू हेड था, तो 2 इंटू हेड कर देंगे और बटा में कर देंगे 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 140 माइनस 48 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा मेरा 96 और बटा में 2, और 140 में से 96 को हम घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6 और ये बचा 13, और 13 में से 9 गया तो ये हो गया आपका 4। तो मेरा जो ये हुआ 44 और बटा में 2, 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 22। तो मेरा जो गायों की संख्या निकला वो गायों की संख्या मेरा निकल के हो गया 22। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इतना याद रखना है कि मुर्गों की संख्या मतलब जितने भी दो पैर वाले जानवर होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है लेग। अच्छा, दो पैर वाले जानवर जो होंगे तो उनके पास तो लेग होगा ही, ठीक है, और यहाँ पर 4 पैर वाला जानवर है तो उसके पास भी तो लेग है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, इसके पास भी लेग है तो इसके पास भी लेग है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेड, तो मुर्गे के पास भी हेड होता है, तो आपका गायों के पास भी हेड होता है, और एक चीज़ और, बटा में 2 यहाँ पर भी है और बटा में 2 यहाँ पर भी है। तो सिर्फ हमको अंतर दिखा यहाँ पर, हमको सिर्फ अंतर दिखा यहाँ पर कि जब दो पैर वाला जानवर रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हमको 4 पैर वाला जानवर का निकालना रहेगा तो हम सिर्फ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी हमको कुछ इसमें याद नहीं करना है। जहाँ भी बात होगा मुर्गों की संख्या दो पैर वाला निकालना है तो लेग माइनस 4 हेड बटा में 2, गायों की संख्या निकालना है लेग माइनस 2 हेड बटा में 2, इसके पास भी लेग है, इसके पास भी लेग है, इसके पास भी हेड है, इसके पास भी हेड है, बटा में 2 यहाँ पर भी है, बटा में 2 यहाँ पर भी है। अंतर क्या है कि जिसके पास दो पैर रहेगा तो आप बस दिमाग लगाइएगा कि जिसके पास दो पैर तो उसके हेड को 4 से गुना कर दीजिएगा, और जिसके पास 4 पैर होता है उसके हेड को 2 से गुना कर दीजिएगा, और आपका आंसर खत्म। इसी फार्मूला पर आपका आंसर खत्म, कोई एलिगेशन कोई मेथड नहीं लगाना है, मात्र इसी को ट्रिक है, इसी को याद रखना, इसी से बना देना है।